गाड़ी का पंचर हो गया है और ये दो इंसान लगे हुए हैं, एक उठा रहे हैं दूसरे निकाल और इस टाइम हम कहाँ पर है? फरीदाबाद हाईवे, और इधर जंगल ही जंगल है, वहां से कोई जानवर भी आ सकता है। बिल्कुल। हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू राजवीर व्लॉग। कैसे हैं आप सब लोग? और बाहर देखो, सुबह सुबह बहुत गंदी आंधी और बारिश हो रही है, और अभी 6:45 हो रहे हैं और एकदम से मेरी आंख खुली है बहुत तेज़। एक तो सपना भी बुरा देखा, ऊपर से ये आंधी बारिश। सुबह सुबह बारिश और ये तेज हवाएं, और तेज। और यहाँ सुबह सुबह खाना बन रहा है, शिष्य की स्कूल जाने की तैयारी हो रही है। और ये जल्दी करो, जल्दी ब्रश टाइम। कोई बात नहीं, दांत टूटे हुए में फंस गया, तो उसको ऐसे करके निकाल लो। गंदी वो चार वाली बारिश सुबह सुबह, बहुत तेज आंधी बारिश गई, हमारी लाइट भी गई। कितनी तेज है, पानी 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 हो गया चारों तरफ। तो गाइस, अभी जाके थोड़ी बहुत बारिश थमी है, तो मैं सिस्टी को बाहर तक ही लेके जाना है, तो गाड़ी में ही लेके जा रहा हूँ आज। बैठाओ, बहुत ठंडा, इतने में ठंड हो गई। चलो अंदर हो। वैसे करेक्ट हम बस के टाइम पर ही पहुंच गए हैं बाहर। बाहर देखो क्या मौसम हो रहा है, थोड़ी बारिश अब जाके थमी है। देखो पेड़ भी अभी भी हिल रहे हैं, हवा चल रही तकरीबन। अभी सिस्टर की बस आई नहीं है, और आज हेयर कट देखो सिस्टर को। क्या काट के ऐसे अच्छे नहीं लग रहे? अच्छे लग जाएंगे जब ड्राई होंगे ना, तो अपने आप अच्छे लग जाएंगे। अभी तक तो दूर दूर तक कोई बस दिख नहीं रही है, सो सैड। तो अभी पता चला है कि सिस्टी के स्कूल से तो अभी बस निकली ही नहीं है, बारिश की वजह से पानी भरा हुआ है, बहुत प्रॉब्लम है। तो अभी हम जा रहे हैं दूध लेने के लिए। बताओ सुबह इतने 5 बजे उठना, उठ के काम करना, इन राजकुमारी को रेडी करना, और फिर उसके बाद सब चीज़ों पे पानी फिर जाना, बारिश वाला वो भी। बाहर बिल्कुल फॉग जैसा हो गया शीशे पे, तो दिखाई ही नहीं दे रहा। देखो अभी चलाते हैं एसी चलाते हैं। कितनी ग्रीनरी दिख रही है, नीट एंड क्लीन। बारिश आते ही बस यही हो जाता है, बस थोड़ा बहुत पानी भर जाता है इधर इधर उधर उधर। अब गुड़गांव में जाएंगे, पानी पानी मिलेगा हर जगह। थोड़ी देर बाद, फिर कुछ घंटों बाद, फिर पानी सारा गायब हो जाएगा। पानी पानी भरा हुआ है, दूध कैसे लेने जाएंगे? जैसे सब जा रहे हैं वैसे ही जाएंगे। यस, जैसे सब जा रहे हैं वैसे ही जाएंगे। अब आप यहीं बैठना, मैं दूध लेके आता हूँ, ठीक है? ओके। तो गाइस दूध ले लिया है, और अभी चलते हैं फटाफट। फाइनली लौट के बुद्धू घर को आए, और ये देखो बारिश अभी भी लगातार तेज, फिर से तेज बारिश हो गई है। तो गाइज अभी 4:45 हो रहे हैं, और 3 बजे मैं सो के उठा हूँ, करेक्ट 3 बजे ना, ये 3 बजे से पहले ही। और आज देखो, आज मेरा पूरा दिन ऐसे ही चला गया, एडिटिंग भी नहीं हुई, आज तो मस्त सोया हूँ। पता नहीं क्यों आज इतनी नींद आ गई मुझे, दोपहर में सोना ना टाइम वेस्ट लगता है, और मुझे आज ऐसा लग रहा है मैंने अपना टाइम वेस्ट कर दिया सो के। और मेरी क्लास के लिए स्टूडेंट आ चुके हैं बाहर, मैं सिर्फ शॉट लेने के लिए आया हूँ, क्योंकि बाहर चल रहा है म्यूजिक, क्योंकि क्लास के टाइम म्यूजिक चलता है ना, तो मैं शॉट नहीं ले सकता था। और इधर देखो आंवला छिल रहा है, आंवले छिल रहे हैं, प्रोनंसिएशन गलत कर दिया। तो अभी चलते हैं बाहर, क्लास चल रही है। और आज देखो मैं, अब तो आजकल तो मेरा टाइम फिक्स हो गया शाम को नहाने का, मतलब एक कहीं ना कहीं घूम फिर के ऐसी चीज़ें हो जाती है, मैं शाम को ही नहाता हूँ। देखो आप अपनी मूवी, मूवी चल रही है इधर। क्या हो गया? बस बना लिए, 10 कट लेने पड़ेंगे। वीडियो
भाभी जी बना। अरे ब्रोकन हार्ट रेडी बा बोल, मैं कह रहा हूँ भाभी जी नाश्ता हो जाए। अरे उस डायलॉग को बना, भाभी कह रही है कुनवा रेडी मुझ पे लेकर ब्रोकन पास रेडी बा, भाभी ने बोल दिया कुनवा रेडी बा तो किस चीज के लिए डायलॉग रेडी करवा रहा है वो कुछ शॉर्ट ले ना। अच्छा 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 सिस्टी जो बेटा गेट बंद करके आओ जाओ। तो इस बोतल में है आंवले तनी क्या क्या मिक्स करके बालों की केयर के लिए हिमलता ने रेडी किया है, तो वो लगाना है सर में। सो गाइस पापा ये मम्मी के आंवला तेल लगा रहे हैं। आंवला तेल नहीं है, आंवला स्प्रे मिक्स कुछ मम्मी ने बनाया है काफी चीजों को मिक्स करके। हेलो गाइस, तो आज मैं रात को नहाया हूँ, बहुत रात हो गई आज मुझे नहाने में, और अभी मैं रेडी हुआ हूँ राजवीर वाले चैनल के लिए एक वीडियो बनाऊंगा। सोच तो रहा था, कल सोचा था, लेकिन आज भी टाइम नहीं मिल पाया, तो अब मैं सोचा है रात में पक्का बनाऊंगा। तो अभी है डिनर करने की तैयारी, पहले डिनर करेंगे, और अभी देख रहे हो आप 9 बज चुके हैं। वैसे किसी ने बताया नहीं मैं कैसा लग रहा हूँ, बताने की जरूरत क्यों नहीं है, थोड़ा बूस्ट मिल जाता है। हाँ हाँ सिस्टी तो बताती है। मैं बताऊं? हाँ। स्मार्ट लग रहे हो, हैंडसम लग रहे हो, अच्छे लग रहे हो और बहुत अच्छे लग रहे हो। ये तो बता दिया, मम्मा ने कुछ बोला ही नहीं। क्या क्या दोबारा बोलेंगी? स्मार्ट लग रहे हो, हैंडसम लग रहे हो, अच्छे लग रहे हो, बहुत अच्छे लग रहे हो। मेरी देखा मुझे ऐसे ही मस्का लगाने के लिए तो नहीं बोल रहे हो? चलो छोड़ो, क्या जबरदस्ती बुलवाना अच्छा नहीं। ऊपर तक क्यों बंद कर लिया? ऐसे ही देख रहा था बंद करके ऊपर तक। ऊपर तक अच्छे नहीं लग रहे, ऊपर वाला थोड़ा सा ही, मैं ऐसे ही देख रहा था, ऐसे ही लगा लिया बटन। तो लो जी हम ले आए जुगाड़ करके, इससे करेंगे भिंडी काटेंगे ताकि जल्दी कट जाए। लो जी कट गई हमारी भिंडी, हमारी भिंडी। अभी टाइम हो गया है 11, चलो थोड़ी देर बाहर टहलते हैं घूमते हैं। क्या बारिश आ गई, बारिश। लो जी बाहर जाने का प्रोग्राम बनाया, बारिश शुरू। मौसम तो कई दिनों से बहुत अच्छा हो रहा है। भीगी भीगी रातों में ऐसी बरसातों में कैसा लगता है, तुम छुके बादल मेरे बदन को भीगो के सैया रहे हो। आए हाय, चलो ना बारिश में चलते हैं। चलो ना, नहीं होगी तबीयत खराब, कितनी अच्छी तो बारिश हो रही है, बौछार वाली तेज हो रही है बारिश, ठंड लग रही है मेरे को। चलो अंदर नीचे। नहीं ना। हाँ ना, अरे क्या कर रहे हो, तबीयत खराब हो जाएगी। आ जाओ अंदर आ जाओ, हड़कल हो जाएगी शरीर में फिर। यार बारिश के मजे तेज हो रही है, सारे गीले होके बेड पे जाओगे थे। यार सही टाइम पे आ गई अपने घूम के, मैं भी घूम ली थी। आप भी घूम लिए थे, मैं ही नहीं घूम पाया हवा में, सोचा था रात को थोड़ी घूमूंगा। तेज हो रही है फिर, सुबह जैसे ही हो रहा है, लाइट भी चली जाएगी। क्या ही फर्क पड़ना है, लाइट चली जाएगी तो। ओ और तेज और तेज और तेज, वाह 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 वाह, ऑसम। ओए होए ओए होए, बारिश सच में यार। तो गाइज अभी रात के 12:10 हो रहे हैं और सारे सो चुके हैं, मुझे नींद नहीं आ रही है। बस मैं एडिटिंग करने बैठा ही था तो रितु का कॉल आ गया कि बारिश में कहीं चलना है बाहर घूमने के लिए, खाने के लिए। कह रहे भाभी को उठाते हैं, मैंने कहा भाभी तो सो चुकी है, तो मैं अकेले ही जा रहा हूँ, वेट कर रहा हूँ बस। और देखो बाहर अभी भी बहुत अच्छी बारिश हो रही है यार, क्योंकि मैं दिन में सो लिया ना आज। भाई मैं तो सो गई, ठीक है सारे सो गए। मैंने कहा मुझे नींद नहीं आ रही, मैं क्या करूँ। पर ख्याल रखा कि मुझे एडिटिंग करनी थी अपनी वीडियो की, रितु का फोन आया, मैंने कहा चलो कोई नहीं
चलते हैं। रोज रोज ऐसी बारिश थोड़ी ना होती है। के मौसम में तन्हाई के आलम में मैं घर से निकल आया, बोतल भी उठा लाया परफ्यूम की। तो गाइस ये देखो हमारे बीच कौन आ गया है, ये अचानक से गायब नहीं हुई है, इसको लेने गए थे हमने यू टर्न की गाड़ी और फटाफट से घुमा के वापस पहुंच गए क्योंकि ये उठ चुकी थी, कॉल आ गया था। मैंने कॉल किया था। हाँ भाई मैं मान गया तूने कॉल किया था। तो अभी हम आए हैं यहाँ पे रोल खाने के लिए और रात के 1 से 1 बज रहे हैं। ऐसे तो एरिया से कोई पहचानेगा नहीं, लेकिन बारिश का तगड़ा मौसम हो रहा है। देखो हाँ। बादल कैसे चल रहे हैं ऊपर। और गाइस ये देखो बादल कैसे चलते हुए मूव, अमेजिंग। गाड़ी का पंचर हो गया है। और ये दो इंसान लगे हुए हैं। एक उठा रहे हैं दूसरे निकाल। और इस टाइम हम कहाँ पर हैं? फरीदाबाद हाईवे। और इधर जंगल ही जंगल है, वहां से कोई जानवर भी आ सकता है। बचा हुआ है अभी बाद में खाने के लिए। पंचर करने में मुझे बड़ा मजा आता है। बहुत गाड़ियाँ पंचर गई है। नहीं वो उसमें हवा निकालते हैं ना, उसमें डाल के सुर जो आवाज आती है ना। इसमें से निकाल लो आवाज जो बची पड़ी है। अब नहीं आएगी वो, अब तो निकल चुकी है उसकी। खुल गए भाई मेरे नेट बोल्ट तो खुल गए। खुल गए आपके नेट बोल्ट। नॉनवेज लड़की हो। कितना उठाना है भैया? आरती दी कितना उठाना है? कम उठ रहा है। तो गाइस टाइम देख रहे हो अभी 3 बज चुके हैं। तो ठीक है गाइस करता हूँ इसी साथ ब्लॉग का एंड। तो होप आपने आज के ब्लॉग को एंजॉय किया होगा। एंजॉय किया तो प्लीज़ लाइक कर देना। चैनल पे न्यू है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं एंड वीडियो को लाइक ज़रूर करना प्लीज़। तो ओके बाय बाय, गुड नाइट ऑल ऑफ यू। अपना ख्याल रखें, अपने परिवार का ख्याल रखें। मिलते रहेंगे ऐसे अच्छे अच्छे ब्लॉग्स के साथ। गुड नाइट।